छिंदवाड़ा में अवैध उत्खनन का कार्य लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने अवैध उत्खनन कर रहे लोगों पर कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन को जब्त कर लिया है। जुन्नार देव के ग्राम निमोटी में खनन माफियाओं द्वारा मुरम का अवैध उत्खनन किया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम ने जेसीबी मशीन सहित ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। एसडीएम मधुवंत राव ने बताया कि बैतूल निवासी सतीश राजू साहू द्वारा अवैध उत्खनन का कार्य किया जा रहा था। मुरम की खुदाई कर रहे लोगों के पास खुदाई की अनुमति के दस्तावेज नहीं थे, जिसके बाद इन पर कार्रवाई की गई है। एसडीएम ने बताया, अवैध उत्खनन कर माफिया मुरम को छिंदवाड़ा सीमा पार कर बैतूल की ओर एक शुगर मिल में ले जा रहे थे। आज हम लोग सुबह से एसडीएम साहब और मैं और तहसीलदार साहब जुन्नार देव नागदेव मंदिर का उधर महाराष्ट्र से यात्री आते हैं, तो कोरोना काल के कारण हम लोग इधर आने का प्रतिबंध करने के लिए नागदेव मंदिर निमोटी गए हुए थे। वापसी के दौरान निमोटी की एक पहाड़ी में जेसीबी से मुरम खुदाई कर रहे थे और तीन चार ट्रैक्टर थे वहाँ पे। हमने पूछताछ किया तो वहाँ उनको जेसीबी जो खुदाई करवा रहा था उसके पास कोई अनुमति नहीं थी शासन से, इसलिए हम उनको जेसीबी और ट्रैक्टर तीन चार हमने जब्त किया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।